अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम चिकन शॉर्मा बना रहे हैं। ये ब्रेस्ट है, हमने उनको उबलने के लिए रखी हुई है। थोड़ा सा पानी डाला है, थोड़ा सा घी डाला है और उसके अंदर अब हमने नमक, काली मिर्च, ज़ीरा, अजवाइन वगैरह डाल के उबलने के लिए रखा है। अब हम सीजनिंग डाल रहे हैं, ये देखें ये सीजनिंग है, इसको हम पुट कर रहे हैं। बस एक चम्मच डालेंगे आप और इसको दम पर रख देंगे। ऑयल हमने डाला हुआ, इसको दम पर रख देंगे। चिकन अच्छी तरह गल गया है, अब इसके पीस बनाते हैं। इसे निकाल लेते हैं और पीस बनाते हैं। चिकन ठंडा हो चुका है, ऐसे पकड़ के आप छोटे छोटे पीस कर लें, लंबे कर लें, छोटे कर लें, आपकी अपनी चॉइस है। ऐसे पीस बना के इसको बर्तन के अंदर डाल देंगे। ये बोटियों के पीस जो है अब हम इसी मसाले के अंदर ऐड करेंगे और 5 मिनट के लिए इनको भूनेंगे। ये मसाला शुरू में मैंने आपको बताया था, नमक मिर्ची वगैरह और घी डाल के बोटियाँ ऐड की थी। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ऐड कर सकते हैं मसाला, हमें ऐसे ही हल्का सा चाहिए था, हमने हल्का सा रखा है। नींबू काट लिया, अब हम ऐड करते हैं थोड़ा सा खट्टे के लिए। इसके अंदर थोड़ा सा ऐसे निचोड़ देंगे नींबू को। 2 ऑनियन काटे हैं और 2 टमाटर काटे हैं, ये 1 काट चुके हैं। दूसरा आपको बताते हैं, ये सैलेड के तौर पे इस्तेमाल होगा। ऐसे सारा आप काट लें। टीला जानी रोटियां हैं ये, इसके अंदर शॉर्मे की तरह हम इनको पैक करेंगे। 1 प्याली योगर्ट लिया है, तकरीबन हॉट सॉस डालेंगे थोड़ी सी हसबे ज़रूरत टेस्ट के मुताबिक। इसको मिक्स करेंगे, थोड़ी सी केचप डालेंगे। घर में आप रेडी कर सकते हैं सॉस को, इतनी अच्छी मज़ेदार सॉस बन जाती है। आप पीटे के अंदर लगाएं। रोटी को गर्म कर रहे हैं, अच्छी तरह रोटी को सेक लिया, हल्की सी चटनी लगाएंगे। आप भी ऐसे घर में बना लें, बड़ी इजी बन जाती है योगर्ट चटनी। इसे सारा लगा लें। ऑनियन ऐड करते हैं थोड़े से, चिकन ऐड करते हैं। टमाटर ऐड करते हैं, हॉट सॉस थोड़ी सी लगाते हैं, केचप लगाते हैं। ऐसे करके फोल्ड करेंगे, दोनों साइडों से आपने ऐसे कर लेना ऐसे, और अच्छी तरह ऐसे करके अच्छी तरह अंदर करके इसको ऐसे करके फोल्ड कर देना है। ऐसे अच्छी तरह फोल्ड हो गया, अब इस तरह दूसरा लेते हैं। पूरी रोटी को हम चटनी लगा लेंगे, योगर्ट चटनी। चिकन डालेंगे, प्याज ऐड करेंगे, टमाटर ऐड करते हैं,
हॉट सॉस लगाएंगे। केचप लगाएंगे। अब अच्छी तरह इसको दोनों तरफ से ऐसे करके रोटी को ऐसे ऐसे करके अब अच्छी तरह ऐसे गोल करते जाएंगे। शॉर्मा रेडी हो चुके हैं, आप भी खाएं और दुआओं में मुझे याद रखें।